हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कार्मा मैप के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम के मैप भी बोलते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे बूलियन अलजेब्रा के। तो चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है कार्मा मैप। इसमें हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल्स तक के सॉल्व करेंगे। कार्नो मैप में फ़िलहाल हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है 2 वेरिएबल के मैप। इसमें हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, ए एंड बी। इसका जो डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम में वो आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पर आप एक स्क्वायर शेप में एक डायग्राम लेंगे जिसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसको नेमिंग करेंगे ए, इसे देंगे, इसे बोलेंगे बी। यहाँ पर हम कहेंगे ए बार, यहाँ हम बोलेंगे इसे देन ए, इसको कहेंगे बी बार और इसे हम कहेंगे बी। अब हमें ये भी पता है कि जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं तो उसके कॉम्बिनेशन में हम 4 नंबर्स लिखते हैं जो कि होते हैं हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1। इसको हम बोलते हैं 0, इसे हम कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसे हम कहते हैं 3। ठीक है, अब हम इसको यहाँ फिल कर देते हैं। यहाँ से ए बार आएगा, यहाँ से आएगा बी बार, इसी तरह यहाँ से ए बार, यहाँ से ऊपर से बी, यहाँ से ए, देन ऊपर से आएगा बी बार, इसी तरह यहाँ से ए और ऊपर से आएगा बी। हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए को हम 0 कह रहे हैं तो ए बार को हम कहेंगे, ए को अगर हम 1 कह रहे हैं तो ए बार को हम 0 कहेंगे, इसी तरह से अगर हम बी को 1 कह रहे हैं तो बी बार को हम 0 कहेंगे। बस इसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ फिल कर देना है। ए बार हमारा आ जाएगा 0 और यहाँ से बी बार आ जाएगा 0, इसी तरह से ए बार 0, बी 1, ए 1, बी बार 0, ए 1, बी 1। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसको 0 0 को यहाँ से हम बोलते हैं 0, 0 1 को यहाँ से हम कहते हैं 1, 1 0 को कहते हैं 2 और 1 1 को हम कहते हैं 3। तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी है। अब इन्हीं के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो इस तरह आएगा कि सॉल्व के मैप ऑफ, या फिर फाइंड के मैप ऑफ 2 वेरिएबल्स, और उसकी वैल्यू आपको इस तरह से दी होगी लाइक कि हमें समेशन ए कॉमा बी और यहाँ पर समेशन 0,2। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसी तरह का एक डायग्राम यहाँ बनाना है और यहाँ पर हम इसकी नेमिंग दे देंगे। इसको हम कहेंगे ए, इसे बी और ये हमें रखना है वैल्यू ए बार, ए बी बार बी। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद 0 हमारा है यहाँ पे, तो 0 की जगह हम 1 लिख देंगे और जहाँ पर 2 है 2 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए हमें 2 नंबर्स होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर इसकी पेयरिंग हो जाएगी। अब इसमें हम कॉमन पार्ट देखेंगे। तो यहाँ से कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या? ए बार और ए कॉमन है? नहीं, लेकिन ऊपर से बी बार कॉमन है, तो बस इसका आंसर आ जाएगा बी बार। ठीक है, देखिए कितना इजी था। एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन में के मैप फाइंड करना था 2 वेरिएबल्स का। क्वेश्चन था आपका समेशन ए कॉमा बी और यहाँ पे जो वैल्यूज थी वो थी 0,2। तो जहाँ 0 था उसकी जगह हमने 1 रख दिया और जहाँ 2 था उसकी जगह 1 रख दिया, और दोनों का कॉम्बिनेशन में एक पेयर बन रहा था। उसमें से जो दोनों में कॉमन वैल्यू थी वो थी बी बार, तो इसका आंसर आ गया बी बार। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा कि हमें के मैप निकालना है और जो क्वेश्चन है वो है हमारा सिग्मा ए कॉमा बी और वैल्यू हमें दे रखी है 0,3। अब यहाँ पर अगर हमें के मैप फाइंड आउट करना है तो हमें इसी तरह से एक डायग्राम दोबारा बनाना है और उसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ 0,3 है वहाँ वहाँ हम 1,1 रख देंगे। यहाँ तो हम ए लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे बी। इसी तरह से ए बार यहाँ आएगा, यहाँ ए, यहाँ बी बार, यहाँ बी, और ए 0 यहाँ पर आता है तो इसकी जगह 1 और 3 यहाँ पर आता है इसकी जगह 1। लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ इंडिविजुअल पेयरिंग कर, इंडिविजुअल वैल्यूज़
कि आगे सर्कल ड्रॉ कर देंगे और सर्कल के आंसर लिख देंगे। इस सर्कल का आंसर आ रहा है यहाँ से, जो वैल्यू है इसका नाम है ए बार और ऊपर से है बी बार। अगली वैल्यू लिखने से पहले हमें लिखना होगा प्लस, देन यहाँ पर आया है आपका ए और ऊपर से है बी, तो इसका आंसर आ गया ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इस तरह होगा कि समेशन ए कॉमा बी और वैल्यू सपोज हमें दे रखी है 3, बस सिर्फ 3 दी है, तब क्या करना है? तब यहाँ पर आप इसी तरह से एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे जहाँ 3 है उसकी जगह पर 1 को लिख देंगे। ये ए बी, ए बार ए, बी बार बी, और 3 कहाँ पर है? यहाँ पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब जो 1 है इसके आगे आप सर्कल करेंगे और इसका आंसर लिख देंगे। यहाँ पे यहाँ से वैल्यू ए आ रही है और ऊपर से आ रही है बी, तो इसका आंसर आ गया ए बी। क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं था इसलिए आपको लिखना नहीं है, बस इसका आंसर आ गया ए बी। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखते हैं 2 वेरिएबल्स के। अब जैसे सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे 1 दे दिया है हमें, तब क्या करेंगे हम? उस केस में जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी को रफ करके मैं कर रही हूँ इसमें। यहाँ पे 0 की जगह 1 एंड 1 की जगह 1। अब यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे और ये कॉमन आ जाएगा। इसमें कॉमन में जो वैल्यू है वो क्या, बी बार और बी, इनमें से कुछ लिख सकते हैं? कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन हमारा आ रहा है ए बार, तो इसका आंसर आ गया ए बार। ठीक है, सबसे पहले हमने जो वैल्यूज़ है वहाँ वहाँ 1 1 लिख दिया, फिर हमने उसकी पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने के बाद जो उसमें कॉमन था वही हमारा आंसर है, वो है ए बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सपोज इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगली बार हमें क्वेश्चन में दिया है 0, 1, 2, इस तरह से क्वेश्चन दिया है। तब हम क्या करेंगे, 0, 1 और 2, इसकी जगह और 1 आ गया। ठीक है, तो अब ये इंडिविजुअल बचा, तो इस सबसे पहले हम जो प्रायोरिटी देते हैं वो पेयरिंग को देते हैं, तो पेयरिंग में ये आ रहा है तो इसको हम एक और पेयर बना लेंगे। यहाँ से तो आंसर ए बार आ रहा था, प्लस अगली बार आंसर में जो कॉमन आया वो बी बार आया। मतलब आपको ये देखना है कि अगर इंडिविजुअल आपके पास है तो आप इंडिविजुअल जब लिखोगे तो उसमें ज़्यादा वेरिएबल्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, और जब आप पेयरिंग कर रहे हैं तो कम वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। तो कोशिश ये करनी है, यहाँ प्रायोरिटी आपको देनी है पेयरिंग की। अगर पेयरिंग हो रही है तो आपको पेयरिंग करके ही आंसर लिखना है, अगर नहीं हो रही है तो इंडिविजुअल लिखना है। और पेयरिंग में भी सबसे पहले हम जो पेयर बनाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पेयरिंग हो सकती है, लाइक 8 की हो रही है तो 8 की करेंगे, नहीं तो 4, नहीं तो 2, फिर इंडिविजुअल। क्योंकि जितने ज़्यादा पेयरिंग होंगे उतने ही कम वेरिएबल्स यूज़ होंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि 2 2 की पेयरिंग हो रही है तो इसलिए हमने 2 2 की लिखी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वहाँ पर 0, 1, 2 की जगह एक और वैल्यू हमने ले ली है 2, 3। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी तरह से एक डायग्राम बनाएंगे। मार्क कर देंगे यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए बार ए, देन बी बार बी। अब 0, 1, 2, 3 जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ 1, 1, 1 कर देंगे। इसका जो आंसर आता है वो 1 आता है। अब वो देखते हैं कैसे। आप चाहें तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया कि 8 की पेयरिंग करते हैं, लेकिन 8 नंबर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे 4 है, तो मिनिमम उससे सेकंड नंबर पर जो प्रायोरिटी है वो 4 की है। तो 4 की पेयरिंग करने के लिए एक पूरा सर्कल हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे 4 की पेयरिंग करते टाइम क्या कॉमन है, आप ऐसे तो कॉमन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो हम 2 2 की पेयरिंग इंडिविजुअल कर कर देखते हैं। जब हमने 2 की पेयरिंग की तो यहाँ से जो कॉमन आया वो आया ए बार, और यहाँ से जो कॉमन आया वो आया ए, प्लस करके हम ए लिखते हैं, और हमें बुलियन रूल मालूम है कि ए बार प्लस ए होता है हमारा 1। इसी तरह से अगर हम वो पेयरिंग ऐसे ना करके
इस तरह से करते हैं। तो यहाँ से हमारा कॉमन आता बी बार, और अगर इस तरह से करते हैं तो यहाँ से कॉमन आता प्लस बी, और हमें ये भी पता है बूलियन अलजेब्रा से ये भी हमारा वन है। और अगर हम इंडिविजुअल्स लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई भी पेयरिंग नहीं करते, इंडिविजुअल्स नंबर लिखते, तो हम जैसे सर्कल एक इस पर ड्रॉ करा, इसकी वैल्यू लिख दी, वो आ गई ए बार बी बार, प्लस इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ से ए बार बी, प्लस इसकी वैल्यू लिख दी ए बी बार, प्लस इसकी इंडिविजुअल वैल्यू लिख दी यहाँ से ए यहाँ से बी। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए बार, ब्रैकेट में आ गया बी बार प्लस बी। इसी तरह से यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ए, ब्रैकेट में आ गया बी बार प्लस बी, और हमें पता है ये बी बार प्लस बी हमारा होता है वन, तो हम लिख सकते हैं ए बार डॉट वन प्लस ए डॉट वन। अब हम इसे लिख सकते हैं ए बार प्लस ए, और ए बार प्लस ए हमारा होता है वन। तो आपने देख लिया कि जैसे मैंने बताया था, या तो आप डायरेक्ट वन लिख दें, नहीं तो आप इस तरह से ओपन करके भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप दो दो के पेयर बनाकर लिख लो, या फिर आप इंडिविजुअल करके लिख लो। इंडिविजुअल करके लिखेंगे तो ज़्यादा वेरिएबल्स लिखना होगा और ज़्यादा आपको इसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप पेयरिंग बना के कर लो इसे, और सारे ही केसेस में इसका आंसर वन आएगा। तो आपने देखा कि टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम इसमें थ्री और फोर वेरिएबल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो हैं वो थ्री फोर वेरिएबल्स तक के क्वेश्चन आते हैं। तो इसी में हम ड्रॉ कर लेते हैं थ्री वेरिएबल्स के मैप, जिसमें हम वेरिएबल्स जो लेंगे वो लेंगे ए बी एंड सी। इसमें जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह बनेगा। यहाँ पे आपको थ्री वेरिएबल्स लेने हैं, और थ्री वेरिएबल्स से हमारे आठ नंबर्स, आठ कॉम्बिनेशंस के नंबर बनेंगे। उनकी वैल्यूज़ हम देख लेते हैं, वो होंगे हमारे ए बी सी। उनको हम लिख सकते हैं 0 0 0, इसको हम बोलते हैं ज़ीरो। इसी तरह 0 0 1 1, 0 1 0, इसको हम बोलते हैं टू। देन 0 1 1 से हम कहते हैं थ्री। देन 1 0 0, इसे कहते हैं फोर। देन 1 0 1, इसे हम बोलते हैं फाइव। देन 1 1 0, इसे हम कहते हैं सिक्स। देन 1 1 1, इसको हम कहते हैं सेवन। अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। यहाँ हमने लिखा ए और यहाँ हमने लिखा बी सी, ठीक है। ए के साथ यहाँ हम लिखेंगे ए बार, यहाँ लिखेंगे ए, इसी तरह यहाँ हम लिखेंगे बी बार सी बार, देन बी बार सी, देन यहाँ हम लिखेंगे बी सी बार, देन बी सी। ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ फिल कर देते हैं। ये यहाँ हम लिखेंगे ए बार, यहाँ से ऊपर से आ जाएगा बी बार सी बार, इसी तरह यहाँ से ए बार, ऊपर से बी बार सी, देन ए बार बी सी, देन ए बार बी सी बार। यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी बार सी बार, देन ए बी बार सी, देन यहाँ से ए बी सी, देन ए बी सी बार। इसमें भी हमें पता है कि अगर ए होगा तो हम बोलेंगे वन, ए बार होगा तो हम बोलेंगे ज़ीरो, इसी तरह बी होगा तो हम बोलेंगे वन, बी बार होगा तो हम बोलेंगे ज़ीरो, देन ऐसे, देन अगर सी होगा तो हम बोलेंगे वन, और सी बार होगा तो हम बोलेंगे ज़ीरो। ये आपको याद रखना है। तो अब इसी के बेस पर हम लिख सकते हैं कि ए बार यानी कि ज़ीरो, बी बार ज़ीरो, सी बार ज़ीरो, सेम ए बार ज़ीरो, 0 1, 0 1 1, 0 1 0, इसी तरह 1 0 0, 1 0 1, फिर 1 1 1, देन 1 1 0। अब यहाँ से बस वैल्यूज़ रख देनी है। 000 यानी कि ज़ीरो, इसे हम बोल रहे हैं। 001 यानी कि वन, 011 यानी कि थ्री, 010 यानी कि टू, ठीक है। इसी तरह 100 यानी कि फोर, 101 फाइव, देन 111 सेवन, देन 110 सिक्स।
ये रेड मार्क जो है ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बाकी इन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये वाली वैल्यूज़ को जो रेड मार्क में है इन्हें बस आपको याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उनमें जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वहाँ पे इन्हीं की जगह पे वन वन पुट कर देना है। तो ये हो गया आपका थ्री वेरिएबल के लिए। अब थ्री वेरिएबल में जो क्वेश्चन आएंगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा कि सॉल्व के मैप ऑफ थ्री वेरिएबल्स, जिसमें हमें दिया होगा ए बी सी, क्योंकि हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं इसलिए ये हमें शो कर रहा है तीन वेरिएबल्स। क्वेश्चन में है हमारे पास समेशन 0 3, ठीक है, फिलहाल 0 3। अब हम यही यहाँ ड्रॉ कर लेंगे और इसमें जहाँ जहाँ 0 3 है वहाँ वहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 1। इसे हमने लिखा ए, यहाँ बी सी, ये हमें पता है ये ए बार है, ये ए है, ये बी बार है, सी बार, बी बार, सी, बी सी बार, बी सी। अब 0 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पे, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, और 3 कहाँ है, यहाँ। अब हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे प्रायोरिटी जो देंगे वो पेयरिंग को देंगे, तो क्या पेयरिंग हो रही है, नहीं, क्योंकि दोनों 1 1 दूर हैं, तो हम इंडिविजुअल यहाँ पर लिखेंगे। इंडिविजुअल एक सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसमें क्या वैल्यू है वो है हमारी ए बार, बी बार, सी बार। नेक्स्ट वैल्यू लिखने से पहले हम लिखेंगे प्लस, देन यहाँ से है हमारा ए बार बी सी, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ 3 की जगह पर 1 दे दिया, ठीक है, तब यहाँ पे ये हटा देंगे, ये अब हटा देते हैं, और इसकी जगह पर 3 की जगह 1 है, तो 1 यहाँ है, हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों अगर हम इंडिविजुअल लिखते हैं तो इंडिविजुअल का आंसर क्या आता हमारा, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा आता, तो उसे हमें फिर सॉल्व करना पड़ता, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये पेयरिंग बन रही है, तो पेयरिंग बन के हमारा सीधा आंसर आ रहा है, और पेयरिंग में जो कॉमन है हम वो लिखेंगे। तो यहाँ से ए बार है और ऊपर से क्या कॉमन है हमारा, बी बार, बी बार दोनों में वो लिख दिया, सी बार और सी ए ये कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर आ गया ए बार बी बार। एक बार हम इंडिविजुअल लिख लेते हैं, अगर इंडिविजुअल हम लिखते तो यहाँ से हम लिखते इस 1 की जगह हम लिखते ए बार बी बार सी बार, और इस 1 की जगह हम लिखते प्लस ए बार बी बार सी, तो अब आंसर ये आता। अब इसमें आप कॉमन लेके करते तो आपका सेम यही आंसर आता, तो कॉमन हमारा दोनों में क्या आ रहा है, ए बार बी बार, तो हम रख सकते हैं ए बार बी बार, और ब्रैकेट में आ गया सी बार प्लस सी, और हमें पता ही होता है हमारा 1, तो हम लिख सकते हैं आंसर आ गया हमारा ए बार बी बार डॉट 1, इसे हम लिख सकते हैं ए बार बी बार, मतलब आंसर वही आया, पेयरिंग से डायरेक्ट आंसर आ गया, इंडिविजुअल लिखने से थोड़ा लेंथी पड़ गया। तो पेयरिंग का मतलब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, हमें हमेशा प्रायोरिटी क्लियरली जिससे देनी है वो है हमारा पेयरिंग, और पेयरिंग में भी हम जो देंगे वो सबसे पहले हम 8 नंबर होगा उसको देंगे, देन 4 होगा उसको देंगे, देन डबल होगा तो उसको देंगे। एक आध क्वेश्चन और इसमें सॉल्व कर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा समेशन 0 1 2 6, ठीक है। अब इसमें हमें वही डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे ए बी सी। आप देखेंगे कि ये बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, आपको इसको रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ लिख देंगे ए बार ए, यहाँ पर लिख देंगे बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार बी सी। अब 0 कहाँ है, यहाँ पे, उसकी जगह 1, 1 की जगह 1, 2 की जगह 1 और 6 की जगह 1, ये हमने इसमें नंबर्स रख दिए। अब यहाँ पर हम पेयरिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेयरिंग बनेगी 2 की, क्योंकि यही 2 पास पास हैं, तो यहाँ से जो आएगा आंसर वो लिखेंगे प्लस यहाँ से जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ ऊपर से आंसर कॉमन आ जाएगा हमारा ए बार और ऊपर से आएगा बी बार, देन प्लस यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर से सीधा आ रहा है बी सी बार, तो इसका आंसर आ गया ए बार बी बार प्लस बी सी बार। इसी तरह से और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में सॉल्व कर लेते हैं। समेशन दिया हुआ है 0, 1, 4, 5। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर कर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। दोबारा ये डायग्राम हम बना लेते हैं, इसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे। यहाँ पे हमारा ये आ गया, जहाँ जहाँ पर ये नंबर्स गिवन है वहाँ वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। यहाँ से ए, यहाँ बी, सी, यहाँ लिख देंगे ए बार ए, यहाँ पे बी बार सी बार, बी बार सी, यहाँ से बी सी बार, यहाँ से बी सी। अब 0 यहाँ पर है, यहाँ 1 लिख दिया, 1 की जगह 1, 4 यहाँ है 1 और 5 यहाँ है 1। अब यहाँ पे मैक्सिमम पेयरिंग 4 की हो सकती है, तो सीधा सीधा हम ये कर देंगे, क्योंकि 2 करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 4 नंबर साथ साथ मिल ही रहे हैं। तो यहाँ से ऊपर नीचे से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सीधा ऊपर से कॉमन आ रहा है, वो है आपका बी बार। तो इसका आंसर आ गया बी बार। एक बार और देख लेते हैं, इसमें 0, 1, 4, 5 जहाँ जहाँ था वहाँ वहाँ 1 रख दिया, और मैक्सिमम 4 का पेयर बन रहा था, उसमें कॉमन ऊपर से था बी बार, तो वही ऊपर से हमने लिख दिया, ये आंसर आ गया इसका बी बार। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में जैसे अगर आपका इस साइड 1, 1 होता सपोज, इसी में क्वेश्चन है आपका समेशन 3, 2, 3, 7, 6। ये वाला है वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ नहीं है अब, तो इनको रफ कर देते हैं। अब 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 7 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ये भी बहुत इजी है, एक सीधा सीधा पेयर बन गया। और यहाँ से जो आंसर आया वो ऊपर से हम कॉमन देखेंगे, यहाँ सी है और यहाँ सी बार है, ये तो कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ बी है, तो इसका आंसर आ गया बी। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास ये सारे ही नंबर ऑक्यूपाई कर रहे होते, मतलब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में ये दोनों इंक्लूड होते, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह होता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तब हम क्या करते वो देखते हैं। और एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल केस में इस तरह से नंबर दे रखे हैं, समेशन 0, 4, 2, 6, तब हम क्या करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 4, 2, 6, 0 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है। अगर हम पेयरिंग कर कर देखते हैं तो यहाँ पर एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी का याद रखना है कि प्रायोरिटी सबसे पहले हम देते हैं ओवरलैपिंग को, देन उसके बाद 8, फिर 4, फिर 2, देन 1 तो है ही। अब ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर आएगा, इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसको हम थोड़ी देर बाद करेंगे, इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं हम अभी। क्वेश्चन है हमारा समेशन ए कॉमा बी कॉमा सी, और वैल्यूज़ हैं समेशन 0, 2, 4, 6। इसमें जहाँ जहाँ पर 0, 2, 4, 6 है वहाँ वहाँ पर हमने 1, 1 लिख दिया, और यहाँ पे वैल्यूज़ ए बी सी हैं ही हमारी, तो ये है आपका ए बार ए, यहाँ से है बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार, और यहाँ से बी सी, यहाँ यहाँ 1, 1 है वो हमने लिख दिया सेम। यहाँ पे ओवरलैपिंग हम देख रहे हैं, ओवरलैपिंग का मतलब अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरा इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तब हम इसमें कॉमन देखेंगे। उस टाइम इसमें जो कॉमन आएगा वो इन 4ों में जो आएगा वो लिखेंगे। यहाँ से ए बार ए तो कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ए बार है, यहाँ ए है, ऊपर से बी बार सी बार है और बी सी बार है, लेकिन हमें इन 4ों नंबर्स में कॉमन देखना है, तो वो हमारा है सी बार, यानी कि अब इसका आंसर आएगा सी बार। तो जो प्रायोरिटी देनी है वो पहले हम ओवरलैपिंग को देंगे, देन 8, देन 4, देन 2, तो ओवरलैपिंग ये हो रही है, इसीलिए यहाँ से इसका आंसर आया सी बार।
ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था मतलब क्वेश्चन में हमें कहा है कि 0, 1, 2, 3 सारे नंबर ऑक्यूपाई हो गए, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अब क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। इसमें सेम डायग्राम हम बनाएंगे और वैल्यूज़ को फिल कर देंगे। इसमें हम लिखेंगे ए, यहाँ बी सी, यहाँ लिखेंगे ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार बी सी। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है हमारी, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ वन रख देंगे, क्योंकि सारे ही नंबर ऑक्यूपाई हो गए हैं तो सभी वन हो गए, तो मैक्सिमम 8 का पेयर बन रहा है। और 8 का पेयर जो जब सारे ही ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो हमें याद है कि हमने 2 वेरिएबल के केस में देखा था वन आंसर आ रहा था, सेम इसमें भी वन आंसर आएगा। इसको हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ चार चार वेरिएबल का बनाते तो एक ये बनता, एक पेयर ये बनता। इस केस में जब चार वेरिएबल का एक बन रहा है तब हमारा आंसर आता, चार वेरिएबल में कॉमन आएगा हमारा ऊपर से बी बार। और ये क्वेश्चन भी हमने इंडिविजुअल देखा है, जब चार वेरिएबल का था तब ऊपर से कॉमन आ रहा था बी, और बी बार प्लस बी होता है हमारा वन, तो ये आंसर आ गया वन। तो आपने देखा कि जब सारे ही नंबर ऑक्यूपाई होते हैं तो किस तरह से हमारा आंसर वन आता है। ये हो गया हमारा 2 वेरिएबल का केस, 3 वेरिएबल। अब हम स्टडी करते हैं 4 वेरिएबल्स के मैप। 4 वेरिएबल्स के मैप हम इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है 4 वेरिएबल। आंसर क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादातर 4 वेरिएबल्स में से ही पूछे जाते हैं। अब हम 4 वेरिएबल्स में ले रहे हैं ए बी सी डी, और इसका जो डायग्राम है वो डिफरेंट बनेगा थोड़ा सा, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा कर देते हैं क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके 5 नंबर एग्ज़ाम में इजीली आ जाएंगे, क्योंकि 2, 3 तो आपको आ ही गए होंगे समझ में, बस अब वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। ये हो गया 4 वेरिएबल्स। अब यहाँ पे नंबरिंग लेटर्स डाल देते हैं, ए बी लेटर इधर, सी डी इधर। यहाँ हम लिखेंगे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे ए बी बार, यहाँ ए बी। इसी तरह यहाँ लिखेंगे सी बार डी बार, यहाँ सी बार डी, यहाँ पे सी डी बार, यहाँ पे सी डी। अभी अंदर ये वैल्यूज़ फिल कर देते हैं, तो यहाँ आ गया ए बार बी बार सी बार डी, ऊपर से ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी डी, ए बार बी बार सी डी बार, देन ए बार बी सी बार डी बार, देन ए बार बी सी बार डी। इसी तरह से हम सारा ही फिल कर देंगे, यहाँ से ए बी सी बार डी बार। अभी आपको ये याद भी होने लग गया होगा कि किस तरह से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को रख रहे हैं, और हमें पता है कि जब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो हम 16 कॉम्बिनेशन का नंबर्स ड्रॉ करेंगे। उसको भी हम देख लेते हैं, ए बी बार सी डी बार, वो नंबर्स भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फोर वेरिएबल्स में हम जो नंबर्स ले रहे हैं वो हैं हमारे ए बी सी डी, यहाँ पे 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, देन 0, 0, 1, 0। इसी तरह से 15 तक हम नंबर लिख लेंगे।
1000, और इनके आगे इनके नंबर्स लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहेंगे कि हम इन्हें क्या क्या नंबर्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं 0, इसे कहते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, देन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये वैल्यूज़ आपको याद ही हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, और हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास ए है उसे 1 बोलते हैं, ए बार है उसे हम बोलते हैं 0, इसी तरह बी को हम 1 बोलते हैं, बी बार को बोलते हैं 0, सी को हम 1 बोलते हैं, सी बार को हम बोलते हैं 0, डी को हम 1 बोलते हैं, डी बार को हम बोलते हैं 0। ये वैल्यूज़ यहाँ फिल कर देंगे तो ये 0, 0, 0, ये भी आपका डी बार है यहाँ पे, तो ये आ गया 0, देन 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, then 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, then है आपका 1, 1, 1, 1, then 1, 1, 1, 0, फिर यहाँ पर है आपका, इसको लिख दिया है ए बार बी बार सी बार डी बार ए बी बार सी बार डी, यहाँ से आ गया 0, 1, यहाँ पे ही आ गया आपका 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0। इसको हम इस तरह से अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ये सब नहीं लिखना, वहाँ सीधा आपको वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे कि क्योंकि नंबर गेन करने का यही एक तरीका है, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 0, इसे 1, इसे 2, 3, इसे हमने कहा 4, 5, 6, 7, ये है हमारा 8, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ है, ये है हमारा 9, देन 10, 11, ये है हमारा 12, 13, देन 14, देन 15। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यही आपका ये आंसर आ रहा है इसमें। अब इन्हीं के बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे 1 बाय 1। इसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करना है, बस एक 4 कॉम्बिनेशन का हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, उसी के बेस पर हमने फिलिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पर आप ए बार बी बार ये वैल्यूज आपको याद ही हैं, और 2 वेरिएबल्स के लिए हम इस तरह से पैटर्न लिखते हैं इस तरह से, और 4 वेरिएबल्स के लिए इस तरह से। अब जो क्वेश्चंस आएंगे 4 वेरिएबल में वो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा के वेरिएबल सॉल्व करना है, क्योंकि 4 वेरिएबल का मैप है तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स लिख रहे हैं, ए बी सी डी, और ये वैल्यूज़ हैं आपकी 0, 3, 5, 11। फ़िलहाल ये वैल्यूज़ इतनी रखते हैं। अब ये वैल्यूज़ जहाँ जहाँ हैं आप एक डायग्राम बनाएंगे और वहाँ वहाँ पे 1, 1 लिख देंगे, तो डायग्राम सेम ऐसा ही बनेगा, और वहाँ पर ये वैल्यूज़ को हम 1, 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्योंकि 4 वेरिएबल का के मैप है तो हम ए बी सी डी ले रहे हैं। यहाँ पे नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, अल्फ़ाबेट्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ ए बी सी डी हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, और कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। हमने यहाँ कैपिटल लेटर्स लिए हैं तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी। ये आपके ई एफ जी एच एग्जाम में एनीथिंग कुछ भी आपको दिया जा सकता है, बस आपको ये पैटर्न याद रखना है, वो सेम ही बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे आप ए बार बी बार ए बार बी, यहाँ पे आ गया ए बी बार ए बी, और ऊपर से आ गया सी बार डी बार सी बार डी, यहाँ से आ गया सी डी बार, और यहाँ आ गया सी डी। अब जहाँ जहाँ पे 0, 3, 5, 11 है वहाँ वहाँ पे आप 1, 1 रख देंगे। तो 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 5 है आपका यहाँ पे, और 11 है आपका यहाँ पे।
तो सबसे पहले आपको ओवरलैप, आपने नंबरिंग फिल कर दी, अब आप ओवरलैपिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो क्या यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग हो रही है? तो नहीं, यहाँ हमारी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो हमें अब देखना है पेयर, मैक्सिमम पेयर कोई बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई पेयर भी नहीं बन रहा है, यहाँ इंडिविजुअल्स नंबर है। तो इंडिविजुअल इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो आ जाएगी ए बार बी बार सी बार डी बार, देन प्लस करके इसकी वैल्यू लिखेंगे, वो आएगी ए बार बी बार देन सी डी, देन प्लस इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, वो आएगी आपकी ए बार बी सी बार डी, प्लस इसकी वैल्यू आएगी आपकी ए बी बार सी डी। ये आपका आंसर है। आंसर बहुत लेंथी है क्योंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं थी इसके अंदर और कोई पेयरिंग नहीं थी। ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें और सॉल्व कर लेते हैं। लाइक अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिया जाएगा 0, 1, 2, 3, ये क्वेश्चन है। इस केस में हम क्या करेंगे, इन्हीं में यहाँ हम थोड़ा चेंज करके ये वैल्यूज फिल कर देते हैं जो ये गिवन है। यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारा है, तो 0 है यहाँ पे, 1 यहाँ, 2 यहाँ या 3 यहाँ। ओवरलैपिंग कुछ नहीं हो रही है, सीधा सीधा पेयरिंग हो रही है। कितने नंबर्स की? 4 नंबर की। तो एक सीधा आंसर आ जाएगा जो इन चारों में कॉमन होगा। ऊपर से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से कॉमन है, वो है आपका ए बार बी बार, यानी कि इसका आंसर आ गया ए बार बी बार। देखा आपने कितना इजी था। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज़ इसी के आगे हमारे पास इन वैल्यूज़ के नंबर्स को भी हमें ऐड कर देते हैं, वो हैं हमारे 4, 5, 6, 7। तो इसी क्वेश्चन के अंदर 4, 5, 6, 7, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया है। अब जहाँ पे 4, 5, 6, 7 है वहाँ वहाँ आप और 1, 1 लिख देंगे, 1, 1, 1, 1। अब अगर आप ये देखें कि मैक्सिमम यहाँ कुछ ओवरलैपिंग हो रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पेयर बन रहा है मैक्सिमम 8 का, तो वो ये 8 की पेयरिंग हो रही है। और इन 8 में क्या कॉमन है आपको वो देखना है। तो यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन है? नहीं, लेकिन यहाँ से कॉमन है, वो है ए बार। तो आपने देखा जब 4 नंबर थे तब आंसर आ रहा था ये, और जब 8 नंबर थे तो आंसर आ रहा था ये, यानी कि लेटर्स कम हो गए, यहाँ लेटर्स ज़्यादा थे। तो ये आपका आपको फ़ायदा नज़र आया होगा या बेनिफिट दिखा होगा कि जब 8 पेयर्स हैं तो हमारे वेरिएबल्स कम यूज़ हो रहे हैं, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ओवरलैपिंग का देखते हैं। ओवरलैपिंग के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा वहाँ पर दिमाग लगाना है कि किस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आप अगर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजी पड़ेगा सॉल्व करना। और हाँ, कभी कभी हमें बोल देते हैं कि 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स, वैसे मोस्टली केसेस में बोला जाता है, लेकिन अगर नहीं कहा जाता है क्वेश्चन में तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखे होंगे तो वो 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 3 वेरिएबल्स लिखे होंगे तो 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल्स लिखे होंगे तो वो 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 4 वेरिएबल दिए हैं। तो अभी तो हम 4 वेरिएबल सॉल्व ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0, 1, 2, 3, देन है आपका 8, 9, 10, 11। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके देखना है। इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो आपको अंदर वैल्यूज़ लिखी हैं वो नहीं बतानी है, ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं ये कहीं नहीं लिखनी है, ये आपको बस याद रखना है। और अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं और आपको तब याद नहीं आ रहा है तो आप रफ़ में पेंसिल से ये वैल्यूज़ लिख दीजिए, बाद में ये वैल्यूज़ जब आप लिखेंगे तो पेंसिल वाली रफ़ कर देना। फिर यहाँ पर आगे आपका ए बी सी डी, और यहाँ हमने लिख दिया ए बार बी बार ए बार बी, यहाँ पे आ गया हमारा ए बी बार ए बी, और यहाँ से आ गया सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार सी डी। अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, देन 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8 का पेयर बन रहा है, नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है। सबसे पहले तो हम ओवरलैपिंग देखते हैं, तो यस, ओवरलैपिंग हो रही है। अगर हम इन नंबर्स को आपस में फोल्ड कर दें तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, बस ये फोल्ड हो गए, यानी कि ओवरलैपिंग हो गई। तो इस ओवरलैपिंग में अब इन दोनों में 8वें नंबर में जो कॉमन है वो लिखना है। वो कॉमन क्या है?
ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? तो नहीं, ऊपर से तो नहीं आ रहा। साइड से कुछ कॉमन आ रहा है? तो यस, बी बार कॉमन है दोनों में, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया बी बार। तो आपने देखा इसका आंसर कितना इजी था। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आंसर स्मॉल आया वो है आपका बी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। सपोज अब जो क्वेश्चन है वो है आपका 0 1 2 3। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार वेरिएबल्स का है और इसमें हमारे सेम सारे नंबर ऑक्यूपाई हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमें पता है इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, 1। वो हम देख लेते हैं कैसे। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस पेयरिंग करनी है और बूलियन लॉज याद रखने हैं जो कि हम लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ये ए बी सी डी, यहाँ पे वैल्यूज रख दी, ए बार बी, ये आ गया ए बी बार, यहाँ से सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, सी डी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं सब में वहाँ वहाँ वन वन पुट कर देंगे, तो सब में ही वन वन है तो हम हर जगह वन वन रख देंगे। यहाँ पर एक पूरा जो पेयर बनाएंगे उसका आंसर हमारा आएगा 1, ये हमें पता है। वेरीफाई करके देख लेते हैं कैसे। अगर हम इसको आठ आठ के पेयर लिखते तो एक हमारा ये पेयर आता, यहाँ से आंसर कॉमन आता ए बार। इसी तरह से एक पेयर आठ का हमारा ये आता, यहाँ से कॉमन आता ए, और हमें पता है ए बार प्लस ए हमारा होता है 1। ठीक है, अगर हम पेयरिंग इस तरह करते आठ आठ की तो यहाँ से हमारा कॉमन आता बी बार, प्लस अगर आठ की पेयरिंग यहाँ से करते तो यहाँ से हमारा कॉमन आता, यहाँ से हमारा आता सी बार, और यहाँ से क्या कॉमन आता सी प्लस सी। तो हमें पता है सी बार प्लस सी हमारा होता है 1। तो आपने देखा किस तरह से इसका आंसर बनाया। अगर हम इसमें चार चार के नंबर लेते तो वो आप खुद ट्राई करके देखना, अगर नहीं होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगी आपको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन हो जाएगा आपसे। उसमें क्या करना है, चार चार के पेयर, लेकिन आप करके ज़रूर देखना इसे। चार का एक पेयर ये बनाना, प्लस चार का ये बनाना, फिर ये प्लस प्लस करके लिखना, और फिर उसका आंसर देखना कॉमन लेने के बाद, बूलियन लॉस लगाने के बाद उसका आंसर भी 1 आएगा। ठीक है, इसमें अब कुछ ओवरलैपिंग के और क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसी में रफ कर देते हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, वो कंपलसरी है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें फाइंड करना है के मैप, जिसमें हमारे पास वैल्यू है 0 4 8 12, इस तरह से लिख देते हैं 0 2 4 6 8 10 12 14। अब जहाँ जहाँ ये नंबर है वहाँ वहाँ वैल्यूज़ को 1 रख देंगे। तो पहले हम एक इस तरह से मैप बनाएंगे और मैप में ए बी सी डी की वैल्यूज़ फिल कर देंगे। ये आ गया आपका ए बी, यहाँ से आ गया सी डी, इसे हम लिख देंगे ए बार बी बार, यहाँ से ए बार बी, यहाँ से आ गया ए बी बार, और यहाँ से आ गया ए बी, इसी तरह से सी बार डी बार, यहाँ पे आ गया सी बार डी, यहाँ से सी डी बार, और यहाँ से सी डी। जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ 1 रखना है। तो ये वैल्यूज़ हैं आपकी 0 2 देन 4 6, यहाँ से देख लीजिए, देन 8 10 देन 12 देन 14। अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम
पेयरिंग करने से पहले हम ओवरलैपिंग देखेंगे, तो ओवरलैपिंग हमारी जो हो रही है वो हो रही है इन नंबर्स की। एक ओवरलैपिंग फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, बस अब आंसर देख लेना है। इन आठों में जो कॉमन होगा ऊपर से आ रहा है वो है आपका डी बार, आंसर आ गया इसका डी बार। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, वैल्यूज़ रखी और हमने देखा कि प्रायोरिटी हम ओवरलैपिंग को देखते हैं, तो ओवरलैपिंग सीधा सीधा हो रही है, हमने आंसर फाइंड आउट करा तो जो कॉमन था, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं था, यहाँ से कॉमन था, दोनों ही केस में सी बार डी बार या है, यहाँ सी डी बार है तो डी बार कॉमन है, तो वही हमारा आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है ए के मैं फाइंड करना है हमें ए बी सी डी, और वो वैल्यूज है हमारी समेशन ऑफ 0 1 देन 4 5 देन 10 11, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम के मैप बनाएंगे, और यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे ए बी सी डी, यहाँ से आ गया ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे आ गया ए बी बार, यहाँ से आ गया ए बी, और यहाँ पे सी बार डी बार, सी बार डी, यहाँ से आ गया सी डी बार सी डी। अब जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ पे हम वन पुट कर देंगे, तो 0 1 देन 4 5 देन 10 11। अब आपको देखना है क्या यहाँ कोई ओवरलैपिंग हो रही है, तो नहीं यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे पेयर ज़रूर बन रहा है, तो मैक्सिमम 8 का पेयर बन रहा है, नहीं देन उससे कम देखते हैं, उससे कम 4 का एक पेयर बन रहा है, इसका आंसर लिख लेते हैं। इन चारों में जो कॉमन है वो देख लो, इन चारों में कॉमन है यहाँ से ए बार, ठीक है। अब नेक्स्ट ये रह गया, तो एक 2 का पेयर बन रहा है, इसकी वैल्यू रख दी, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से आ गया ए बी बार और ऊपर से आ गया हमारा सी, तो ये इसका आंसर है ए बार प्लस ए बी बार सी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको इसमें सारी वैरायटीज़ के क्वेश्चंस करा दूंगी, अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 14 15, ये है। अब इसमें क्या करेंगे, यही डायग्राम आपको फिर से बनाना है और ये वैल्यूज़ को आपको यहाँ रख देना है, ये आ गया आपका ए बी सी डी, यहाँ पे ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी, देन सी बार डी बार, सी बार डी, देन सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, देन सी डी। अब यहाँ जहाँ जहाँ ये वैल्यूज हैं वहाँ वहाँ वन रख देंगे, तो 0 देन 6 7 14 15। अब यहाँ ओवरलैपिंग देखिए कि कहीं ओवरलैपिंग हो रही है इस क्वेश्चन में, तो नहीं यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 8 का पेयर बन रहा है, तो नहीं यहाँ 4 का बन रहा है, तो इसका आंसर लिख देंगे, वो आ जाएगा आपका यहाँ से बी आ जाएगा और ऊपर से आ जाएगा सी, देन प्लस ये सिंगल बन रहा है, इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं है, तो सिंगल वैल्यू इसकी रख देंगे, वो है आपकी ए बार बी बार सी बार डी बार, ये इसका आंसर है। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फोर देन टेन फोर्टीन, ये है आपका। इसमें जो वैल्यूज़ रखेंगे वो आप जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ पे आप वन पुट कर देंगे। तो ये आ गया आपका, पहले तो ए बी सी डी रख दो जहाँ जहाँ हैं। ये आ गया ए बी सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, देन ए बी बार, देन ए बी, उसके बाद सी बार डी बार, सी बार डी। मैं जितनी बार आपको ये लिख रही हूँ आपको ये शायद याद भी होता जा रहा होगा साथ साथ। ये आ गया सी डी। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ वहाँ वन रख दो। तो ज़ीरो वन, यहाँ पे फोर की जगह आ गया, देन टेन फोर्टीन। अब क्या ओवरलैपिंग हो रही है? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पेयर दो का बन रहा है, एक ये और एक ये। तो यहाँ से आ गया आपका आंसर ए बार सी बार डी बार, प्लस यहाँ से आ गया आपका ए और ऊपर से आ गया सी डी बार। ये इसका आपका आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम करते हैं एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ओवरलैपिंग के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं इसी में बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और वैल्यूज़ यहाँ यहाँ पे वन वन दी होंगी, ए बी सी डी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं वन वन, मतलब क्वेश्चन ये होगा आपका, लिख देते हैं चलिए, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी देन इक्वल है ये, यहाँ पे है आपका फोर, समेशन ऑफ फोर, यहाँ पे फंक्शन होता है यहाँ समेशन है, देन ये है फोर कॉमा सिक्स, देन ट्वेल्व कॉमा फोर्टीन, यहाँ यहाँ वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। जो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं अभी वहाँ पे, यहाँ पे फंक्शंस लिखा होगा, एफ लिखा होगा, और यहाँ पे समेशन दिया होगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, ये आ गया सी डी। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग कर देते हैं, एक ओवरलैपिंग यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, ये दोनों फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा बी आ जाएगा और ऊपर से हमारे पास आ जाएगा डी बार, इसका आंसर आ जाएगा बी डी बार। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, के मैप फाइंड करना है हमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहाँ पे एफ लिखा होगा। कुछ क्वेश्चंस में हमने सम लिख दिया था तो आप वहाँ पर एफ करके ही लिखेंगे और यहाँ पे समेशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज़ीरो टू एट टेन। अब जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ पर हम वन लिख देंगे। तो यहाँ पे ये आ गया आपका और ये है आपका ए बी देन सी डी, ये आ गया आपका ए बार बी बार, ए बार बी, देन ए बी बार, ए बी, यहाँ से सी बार डी बार, सी बार डी, यहाँ से सी डी बार, यहाँ से सी डी। अब जहाँ जहाँ ज़ीरो टू एट टेन है वहाँ वहाँ पे आप वन रख दीजिए, ज़ीरो टू एट टेन। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये इंडिविजुअल्स वैल्यूज़ हैं, अलग अलग हैं, कि ना तो यहाँ कुछ ओवरलैपिंग है ना ही यहाँ पे कोई पेयरिंग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि इंडिविजुअल अगर आप लिखेंगे, इंडिविजुअल से भी आंसर आ जाएगा, वो भी हम करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है सीधा सीधा। अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएंगे ये चारों नंबर्स।
तो हम यहाँ से कॉमन देखते हैं, तो यहाँ से ऊपर से कॉमन आ गया बी बार और यहाँ से कॉमन आ गया डी बार, तो इसका आंसर है बी बार डी बार। इंडिविजुअल देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू रखते तो इसका आंसर आता हमारा ए बार बी बार सी बार डी बार, प्लस इसका इंडिविजुअल आता हमारा ए बार बी बार सी डी बार, प्लस इसका आता ए बी बार सी बार डी बार, प्लस इसका आता हमारा ए बी बार सी डी बार। लेकिन ये बहुत लेंथी है, तो यहाँ पे अब आप कॉमन देखेंगे, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा ए बार बी बार डी बार, ब्रैकेट में आया सी बार प्लस सी, प्लस यहाँ से कॉमन आ गया हमारा ए बी बार डी बार, ब्रैकेट में आ गया सी बार प्लस सी, और ये वन हो गया हमारा, तो ये आ गया ए बार बी बार डी बार डॉट वन प्लस ए बी बार डी बार डॉट वन, यहाँ से आ गया ए बार बी बार डी बार प्लस ए बी बार डी बार, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारा बी बार डी बार, ब्रैकेट में आ जाएगा ए बार प्लस ए, और ये हो गया वन, तो ये आ गया हमारा बी बार डी बार डॉट वन, ये आ गया बी बार डी बार। मतलब आंसर वही आया, लेकिन ये केस हमारा लेंथी हो गया, और आपने देखा ओवरलैपिंग से कैसे हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। तो हम हमेशा ओवरलैपिंग को प्रायोरिटी देंगे, देन फिर हम पेयरिंग में देंगे एट को, एट नंबर्स को, देन फोर नंबर्स, देन टू नंबर्स, और सिंगल्स में तो है ही, हम सिंगल्स तो लिख सकते हैं, और वो आंसर्स हमारा इस तरह आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है। अगर हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये चारों नंबर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन ना लिख के इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा, और यहां यहां पे वैल्यूज दी होंगी, मतलब ये नंबर आपको गिवन होंगे, तब आप क्या करेंगे, यहां जो कॉमन होगा वो होगा आपका, यहाँ से मैं वैल्यूज़ देख लेती हूँ, यहाँ से आएगा आपका सी बार डी सी डी, सारी वैल्यूज़ नहीं लिखी, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो सीधा सीधा आपका डी आंसर आ जाएगा इस वाले केसेस में। मतलब क्वेश्चंस जैसे दिया जाएगा वैसे ही लिखा होगा, चलिए लिख देते हैं। लाइक क्वेश्चन इस तरह होगा, फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, और वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी चारों वैल्यूज़, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो रख देते हैं, वो होंगी हमारी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, और हमने ये सारी वैल्यूज़ रख दी और आंसर ये आ गया। यहाँ तो हम रखते हैं ए बी सी डी, वो आपको सब रखना है। तो आपने देखा कि आठ वेरिएबल का अगर कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें ये, और हाँ आपको सर्कल सबके ऊपर करना है इस तरह कि हमने ये चूज़ करें, और ये चूज़ करके हमारा आंसर आ गया डी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फोर वेरिएबल्स के ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जब क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो उसमें आपको पेयरिंग के ही कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ओवरलैपिंग के। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ ए बी सी डी है, और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है सपोज 0, 1, 2, 3, then 8, 9, 10, 11। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी तरह एक डायग्राम बना लेंगे, और उसमें जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ वन लिख देंगे। तो ये आ गया आपका ए बी सी डी, आप सबसे पहले यहाँ लिख दो ए बी सी डी, और उसके बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देंगे। ये आ गई ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, और यहाँ से सी बार डी बार सी बार डी, देन सी डी बार सी डी। अब यहाँ से वैल्यूज़ रख देंगे, ज़ीरो है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, then 8, 9, 10, 11। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आप सोच कर देखिए कि इस तरह क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ओवरलैपिंग हो रही है,
तो हम कह सकते हैं यस ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर फोल्ड होकर आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से बी बार। और अगर इसी में कुछ क्वेश्चन और दिया हो, इस तरह से दिया है जैसे सपोज यहाँ यहाँ वन वन दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, तब एक यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ हो जाएगा प्लस इसकी वैल्यू, इस यहाँ से आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया बी बार प्लस डी, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन था आपका 0 1 2 3 5 7 8 9 10 11 देन 13 15। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी बार प्लस डी, एक ये जो कि ओवरलैपिंग में आ रहा था और एक ये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। उस क्वेश्चन में भी सेम है, बस ओवरलैपिंग का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ए बी सी डी, यहाँ पे हमने लिया समेशन 0 2 6 4 रख देते हैं, 4 6 देन 8 10 देन 12 14, ये वैल्यूज़ हैं। और साथ में आपकी वैल्यूज़ हैं 9 11 9 11, ये वैल्यूज़ हैं। अब इन इन प्लेस पर हम 1 रख देते हैं, तो पहले ए बी सी डी रख देते हैं जहां जहां आ रहा है। यहां पे आपका ए बी सी डी, ये आ गया ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी, देन सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार सी डी। अब 0 2 4 6 8 10 9 11 12 14, ये है। तो हम इसमें देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपकी ओवरलैपिंग हो रही है, वो इन चार की हो रही है, ओवरलैपिंग से आंसर लिख देते हैं। यहाँ से आपका आंसर आएगा जो इन चार आठों में कॉमन होगा वो है आपका डी बार प्लस, आप क्या लिखते हैं इंडिविजुअल, ये दो लिखते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं लेकिन हमें तो मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम यहाँ से हमारे ये चार आ रहे हैं, इन चार का आंसर है हमारा ए बी बार, ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर है डी बार प्लस ए बी बार। एक क्वेश्चन और इसमें इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। Zero, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, तो ये वैल्यूज आ गई हैं। इससे बेस एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जहां जहां ये वैल्यूज है वहां वहां हम 1 पुट कर देते हैं। पहले जो यहां लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार ए बी, यहाँ से सी बार डी बार, सी बार डी, देन सी डी बार सी डी। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ बस 1 लिखना है। तो यहाँ आ गया आपका
ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, फोर्टीन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले वही ओवरलैपिंग देखेंगे। तो क्या इसमें ओवरलैपिंग हो रही है? तो हाँ, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो पहले तो एक ओवरलैपिंग का केस ये बन रहा है, ये दोनों फोल्ड हो रहे हैं। यहाँ से आंसर लिख देते हैं, यहाँ से जो दोनों में कॉमन है वो है डी बार। एक ओवरलैपिंग का आंसर ये बन रहा है, तो यहाँ से एक केस ये बन गया। तो दोनों में यहाँ से जो कॉमन है वो है आपका प्लस करके बी बार। तो इसका आंसर आ गया बी बार प्लस डी बार। हम इसमें लिख सकते हैं कि इसका आंसर है हमारा बी बार प्लस डी बार। मतलब अगर आप इंडिविजुअल लिखते तो उसको सॉल्व करके आंसर यही आता, लेकिन ओवरलैपिंग से वन लाइन में आंसर आ गया। तो वन लाइन का आंसर है ये, जिसमें ओवरलैपिंग में एक ओवरलैपिंग ये बन गई है और एक ओवरलैपिंग ये बन गई है। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये सॉल्व करना। एक क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करके देखते हैं, सारी वैरायटीज के क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ हम वन रख देंगे। सबसे पहले तो टेबल तो सब में बनानी ही बनानी है, ये तो आपको अब याद हो ही गया होगा। यहाँ हमने लिख दिया ए बी सी डी, यहाँ पे ए बार बी बार ए बार बी ए बी बार ए बी, देन सी बार डी बार सी बार डी सी डी बार सी डी। अब जहाँ जहाँ ये वैल्यूज आ रही है वहाँ वहाँ बस वन रख देना है। तो ये आ गया आपका ज़ीरो, वन, फोर, फाइव, टेन, इलेवन। अब यहाँ कोई ओवरलैपिंग हो रही है? तो नहीं, यहाँ मैक्सिमम पेयर चार का बन रहा है। इसकी वैल्यू रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से कॉमन ए बार और सी बार, प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका ए बी बार और ऊपर से आ जाएगा सी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसमें वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी यूनिट का इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या इनके अलावा कोई प्रॉब्लम है कोई और क्वेश्चन में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके दिखा दूँगी। वैसे मैंने सारे ही ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है आईसी। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फोर वेरिएबल का है, जो कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करें। थैंक यू।